चलो भाई, मैं हूँ अर्जुन सिद्धार्थ। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज अपने साथ है एक ऐसी गाड़ी जिसका चर्चा अपनी हर रुतबे में है, क्योंकि यूथ के लिए ये पहली पसंद बनती है। तो ये गाड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 टॉप एंड और ब्लैक कलर में, तो मतलब यूथ की पहली पसंद। तो यहाँ पर ये गाड़ी कुछ इस टाइप से लुक्स के साथ आती है और इसमें ये कुछ की आती है। तो यहाँ पर आपको पहले की दिखा देते हैं। की में कुछ इस टाइप से मिलते हैं। इसमें लॉक का फीचर है, अनलॉक का फीचर है और यहाँ पर सायरन का फीचर। अगर आप कहीं पार्क करते हो और आपको गाड़ी ढूंढने में दिक्कत होती है तो ये फीचर देखिए और ये अनलॉक, ठीक है, किसी को डराने के लिए भी काम का है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें फ्लिप की मिलती है, तो कोई कीलेस एंट्री मिलती नहीं है टॉप एंड में भी। और फ्रंट से कुछ इस टाइप का लुक है। तो यहाँ पे मिलता है कुछ इस टाइप से ग्रिल, तो ग्रिल में मिलती हैं क्रोम एक्सटेंट्स। तो यहाँ पर 7 वाली ग्रिल है, 7 स्पोक वाली ग्रिल है और महिंद्रा का लोगो है। और यहाँ पर जो क्रोम में मिलती है ग्रिल और साथ ही ब्लैक बम्पर मिलता है। तो बॉडी कलर की बात, तो बॉडी के कलर ही है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। और हेडलाइट की बात की जाए तो यहाँ पे मिलता है DRL जो अभी जल रही हैं। सो आपको पहले DRL दिखाई जाए, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से DRL जलती हैं, देखिए। तो यहाँ पे वीडियो में आपको ब्लिंक करती हुई दिखेंगे बट एक्चुअल में ब्लिंक नहीं कर रही। तो DRL कुछ इस टाइप से हैं। और फ्रंट की अगर हेडलाइट्स की बात की जाए, हेडलाइट्स में आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं जो कि हैलोजन है। तो यहाँ पे कोई उस टाइप के नहीं मिलते कि जिसमें वाइट लाइट या LED हो, तो यहाँ हैलोजन प्रोजेक्टर मिलते हैं। और साथ ही हाई बीम में भी हेलोजन ही मिलते हैं। और साथ ही यहाँ पे फॉग लाइट भी मिलती है इस गाड़ी में, तो फॉग लाइट भी हेलोजन है, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। फ्रंट से कुछ देख लीजिए इस टाइप से लुक्स हैं। तो लुक्स तो स्टनिंग है, एकदम माचो लुक है इसके। तो लुक्स के मामले में स्कॉर्पियो का उस दिन भी जवाब नहीं था और आज भी जवाब नहीं है। और अब बात आती है साइड लुक्स की। तो साइड से कुछ इस टाइप से दिखती है ये गाड़ी। तो ये लुक्स मिलते हैं साइड से। तो यहाँ पर साइड से बात की है तो यहाँ पर डोर पर ही मिल जाते हैं अपन को इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे एडजस्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं जो कि इंटरनली एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक है और फोल्डेबल, ये हाथ से ही करने पड़ते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स नहीं मिलता। तो यहाँ पे नॉर्मल सी ये मिलती है ब्रांडिंग। और साथ ही ये कुछ मिलता है इसकी प्रोफाइल। और साथ ही टायर की बात की जाए तो इसमें 5-स्पोक अलॉय व्हील मिलते हैं, तो 5-स्पोक है। तो और अगर इसकी अलॉय व्हील की बात की जाए तो इसमें S10 और S11 में SH कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट ठीक है, अच्छा खासा डिफरेंस है पहले से। और यहाँ पर 235/65 R17 के टायर मिलते हैं। तो ये गाड़ी में 235/65/17 के व्हील, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। और ब्रिजस्टोन के टायर मिलते हैं इसमें और इतनी ज़्यादा चौड़े टायर मिलते हैं। तो कुछ इस टाइप का लुक है इस गाड़ी का। लुक के मामले में ये गाड़ी उस दिन भी रानी थी, आज भी रानी है और आगे भी रानी ही रहेगी। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो की बैजिंग साइड में मिल जाती है, क्लैडिंग मिलती है पूरी गाड़ी में, इस टाइप से कुछ क्लैडिंग मिलती है इस पूरी गाड़ी में। और यहाँ पर सिल्वर में स्कॉर्पियो की बैजिंग मिलती है। और डोर हैंडल भी बॉडी कलर्ड है, तो ग्लॉसी ब्लैक है, कोई मैट नहीं मिलते इसमें। और साथ में इसमें रूफ रेल मिल जाती है ऊपर, और पीछे को स्पॉइलर मिल जाता है। और साथ ही यहाँ पे मिल जाता है वाइपर डिफॉगर। तो यहाँ पे गाड़ी थोड़ी पीछे से गंदी है, तो एट द टाइम कहीं से चल के आई है गाड़ी। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग मिलती है जो कि स्कॉर्पियो और S11 वेरियंट है और महिंद्रा का लोगो। और यहाँ पर रियर व्यू कैमरा मिल जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर रियर व्यू कैमरा मिल जाता है, थोड़ी सी गाड़ी गंदी है तो डोंट माइंड। यहाँ पे LED मिलते हैं, तो ऐसा कोई हैलोजन नहीं मिलते, तो LED लाइट्स मिलती है डी कट वाली जो कि स्कॉर्पियो में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर मॉडल में आती है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर BS6 का वो फ्यूल यूरिया एक्सट्रैक्ट करने के लिए टैंक मिलता है, और उस साइड में मिलता है डीजल टैंक। और यहाँ पीछे से कुछ इस टाइप से पूरी लुक्स है, लुक एकदम स्टनिंग है। और इसमें बुल गार्ड लगा हुआ है, बुल गार्ड लगभग हर स्कॉर्पियो वाला लगाता है क्योंकि इन गाड़ियों में ये चीज़ होती है। और टोइंग हुक मिलता है कंपनी से ही बाई डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे फुट स्टेप मिलता है, पार्किंग सेंसर मिलते हैं दो, तो दो पार्किंग सेंसर मिलते हैं, कोई चार नहीं मिलते। तो यहाँ पे अनलॉक करते हैं इस गाड़ी को और देखते हैं। तो यहाँ से कुछ इस टाइप का मिलता है, तो LED यहाँ से देखिए आप इस टाइप से थोड़ी चलती हैं और LED लाइट्स मिलती हैं। तो यहाँ पर दो स्पीकर्स मिल जाते हैं इस गाड़ी में, तो दो स्पीकर्स मिलते हैं पीछे को। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का मिलता है, तो यहाँ पर कोई हैंडल नहीं है जिससे आपको बंद करने को मिले। बाकी उसमें फ्रंट फेसिंग भी मिलती है और साइड फेसिंग भी मिलती है। ये स्कॉर्पियो टॉप एंड है तो इसमें साइड फेसिंग सीट्स है, तो जो कि ऐसे एडजस्टेबल है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो एडजस्ट हो जाती है ऐसे करके कुछ। तो यहाँ पे बूट स्पेस की बात की जाए, अगर तीनों रो अप है तो बूट स्पेस नाम का भी नहीं है इसमें। और यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये सेटअप होती है और ये सारी फोल्ड हो जाती। दोनों आर्म रेस्ट मिलते हैं इस गाड़ी में और इनमें पीछे भी सीट बेल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं है सीट बेल्ट नहीं दिए गए। फीचर्स लोडेड है और जो कीलेस एंट्री वाला फीचर है वो एक मिसिंग है थोड़ा, बाकी ठीक है। तो डोर थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगा के बंद करना पड़ेगा, ये देखिए, तो कुछ इस टाइप से डोर बंद होगा। और अब बात आती है साइड से, तो साइड से कुछ इस टाइप से मिरर मिलता है इसमें। ये ओपनेबल है, तो यहाँ पे वेंटिलेशन से अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत ओपनिंग होती है। और साथ ही साइड से बात की जाए तो रियर व्यू अगर बताएँ तो
तो रियर से कुछ इस टाइप का इसका मिलता है चद्दा। तो यहाँ पे मतलब कि आपको नॉर्मल से ये फैब्रिक मिल जाता है और हैंडलर मिल जाता है जिससे आप लॉक अनलॉक या फिर बंद कर सकते हो इस गाड़ी को। और साथ ही यहाँ पे लॉक अनलॉक का स्विच है और ओपनर ये रहा, और यहाँ पे पकड़ के आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे बॉटल होल्डर मिलता है तो 1 लीटर की बॉटल आराम से रह सकती है। और यहाँ पे छोटा सा कोई कॉइन स्विच, कॉइन मतलब आप रख सकते हो। यहाँ पे पावर विंडो के स्विच मिल जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से। और कैप्टन सीट्स मिलती है। मेन फैक्ट इसमें ये है कि इसमें कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं। स्कॉर्पियो S11 में आपको कैप्टन सीट्स मिलती हैं। तो यहाँ पे 2 सीट्स है और एक बेंच रो पीछे है, और साथ ही यहाँ पे 2 सीट्स है। तो इस टाइप से कुछ मिलता है इंटीरियर इसका। और इंटीरियर की बात आती है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस मिलता है जिससे आपको पीछे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और साथ में यहाँ पे सेपरेट वाले मिल जाते हैं अपन को आर्म रेस्ट, और यहाँ पे भी मिलते हैं। तो हर सीट के लिए आर्म रेस्ट सेपरेट है, और पीछे वाले बेंच सीट के लिए बीच में आर्म रेस्ट दिया गया। तो 6 जनों के लिए परफेक्ट सीटिंग है। तो यहाँ पे आगे पीछे होती है सीट, तो ऐसा नहीं है कि नहीं होती। सो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पूरी पीछे कर रखी है सीट को और इतनी आगे होती है। तो यहाँ पे स्पेस नाम का बचाता है। अगर आप ये सीट पूरी पीछे करते हो यहाँ पे स्पेस नहीं बचता। बाकी ये सीट पूरी पीछे है और ये सीट नॉर्मल 5-5.5 फुट के बंदे के लिए मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। 5.5 फुट हाइट है मेरी, तो वहाँ पे ये एडजस्टेड है। तो यहाँ पे स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, तो आपको स्पेस की कोई कमी नहीं मिलती। और यहाँ पे नॉर्मल से सीट बेल्ट मिलते हैं। और अब चलते हैं ड्राइवर साइड की, तो और उससे पहले इस साइड को दिखा देते हैं एक बार। तो इस साइड भी कुछ इसी टाइप का है। तो यहाँ पे डोर ओपनर है, सॉरी पावर विंडो के कंट्रोल है, डोर ओपनर है और होल्डिंग फीचर है। और साथ ही यहाँ पे कोई आपको बोतल होल्डर नहीं मिलता है इसमें फ्रंट सीट्स में। यहाँ मैगजीन होल्डर मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं। तो आगे को 2 स्पीकर है, पीछे 2 स्पीकर है, 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है इसमें। कोई ट्विटर या फिर ऐसा कुछ नहीं मिलता। और अब बात करते हैं ड्राइवर साइड की, जो कि मेन फैक्ट है इस गाड़ी का। सो चलिए चलते हैं ड्राइवर साइड। तो ड्राइवर साइड कुछ इस टाइप का मिलता है डोर हैंडल, इसको ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप के लुक्स मिलते हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे फैब्रिक मिलता है इस गाड़ी में, और साथ ही यहाँ पे डोर ओपनर है, और यहाँ पे कोई होल्डिंग से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे चारों पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं, यहाँ पे पकड़ के आप गेट को बंद कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये मतलब बेज कलर टाइप का थोड़ा क्रीमिश वाइट कलर है, तो ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी गंदा होगा। और यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, और यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलता है, कोई बॉटल होल्डर नहीं है। तो अब बात आती है इंटीरियर की। इंटीरियर से कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड मिलता है इसका। स्टीयरिंग कुछ इस टाइप का है, तो यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये म्यूज़िक कंट्रोल, क्रूज़ के कंट्रोल, और साथ ही यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे डिजिटल मीटर मिल जाता है। तो मीटर यहाँ पे एनालॉग है, बाकी लाइटिंग अच्छी है इसकी। सो पहले चलते हैं अंदर और फिर बात करते हैं। सो यहाँ पे बात आती है, तो आपको कुछ इस टाइप का लुक मिलता है। और यहाँ पे चाबी लगा ली है, चाबी को करते हैं ऑन एक बार। तो यहाँ पे एक सेकेंड, चाबी घुमा दो भाई, ठीक है। तो ठीक है, सो यहाँ पे म्यूजिक ऑन हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ठीक है, कुछ इस टाइप से इसमें मिलता है स्टीयरिंग। तो पावर स्टीयरिंग मिलता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग नहीं मिलके हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलता है, बट अच्छा खासा कंट्रोल है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इस टाइप से मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, और साथ ही यहाँ पे मिल जाता है इसमें म्यूजिक सिस्टम, और यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं लाइट्स से रिलेटेड। तो इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिलती हैं, और ऑटोमेटिक वाइपर्स मिल जाते हैं, और साथ ही वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, रियर वाइपर मिलता है इसमें। तो वो देखिए, पीछे के वाइपर चल रहे हैं, और यहाँ पे मिल जाते हैं फ्रंट के वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ हॉर्न है, और यहाँ पे मिल जाता है क्रूज़ से रिलेटेड कंट्रोल, आप क्रूज़ सेट कर सकते हो यहाँ पे जितनी स्पीड है उस बेस पे। तो आपको ये ड्राइविंग से रिलेटेड जब अपन ओवरव्यू देंगे तब ये चीज़ ट्राई करके दिखाएंगे। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गियर नॉब मिलता है, 6 स्पीड का गियर नॉब है, तो 6 स्पीड मिलते हैं, और साथ ही रिवर्स 7वां। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम कुछ इस टाइप से फीचर्स, आपने अगर हमारी नई वीडियो देखी है तो उसमें देख लो, म्यूजिक सिस्टम को मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है कैसा क्या कुछ है। तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम है। यहाँ पे 2 नॉब मिल जाती है, और यहाँ पे सारे बटन्स मिल जाते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिक एसी आ जाती है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन आ जाता है इसमें, और यहाँ पे पेन ड्राइव और ऑक्स का इनपुट मिल जाता है। और इसमें एसी नॉब, एसी वेंट की बात की जाए तो 4 आगे मिलती हैं, पीछे की तरफ 2 एसी वेंट्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे बॉटल होल्डर मिलता है, और साथ ही यहाँ पे कुछ रखने के लिए होल्डर मिल जाता है, और साथ ही फ़ोन का होल्डर यहाँ पे है। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप का मिलता है, और यहाँ पे 12 वाल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पे कोई सेपरेट USB चार्जिंग पोर्ट नहीं है, और पीछे भी कुछ इस टाइप का ही मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप के ग्लव बॉक्स की बात की जाए, ग्लव बॉक्स में इस टाइप से कुछ स्पेस मिलता है। तो यही है महिंद्रा स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो में फीचर्स थोड़े कम है, बाकी टशनबाजी फुल है, क्योंकि बोनेट फुल दिखता है आप देखो, ठीक है। और ये ब्रांड न्यू कार है, पुरानी गाड़ी नहीं है, तो S11 मॉडल है 2021। तो यहाँ पे गाड़ी का रिव्यू, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना हमारे YouTube चैनल को। और एक बार फिर से आपको इस रानी की गाड़ी की लुक्स दिखा दी जाए, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से लुक्स मिलती हैं इस गाड़ी में। तो यहाँ पे लुक्स के बारे में इस गाड़ी का कोई जवाब ही नहीं है भाई।
सो इस टाइप के कुछ लुक्स मिलते हैं। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले स्टे ट्यून्ड।